दूसरा दिन है और हम जनाब अच्छी तरह से रेस्ट करने के बाद पराठे परोठे खाने के बाद निकल चुके हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं फैसलाबाद? हम सर नारान की तरफ जा रहे हैं। नारान की तरफ जा रहे हैं, वादी कागान पे आज हम मुसाफिर हैं। जी जी, और हम रुकेंगे दो तीन जगहों पर इंशाल्लाह। दो तीन पॉइंट्स पे रुकेंगे हम, जैसे ही दो तीन बड़े खूबसूरत पॉइंट्स आएंगे। सही है, वोटर स्टीम्स हैं, झरने हैं। सही है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वो जगह। इस्लामाबाद से नारान का रास्ता तकरीबन 6 घंटे का है और दरियाए कुनहार आपके साथ साथ चलता है। हमारा पहला स्टॉप एक छोटी सी आबशार है जिसे केवाई आबशार कहते हैं, केवाई वाटरफॉल्स कहते हैं। यहाँ पे आप सस्ताने के लिए कुछ देर रुक सकते हैं। यहाँ पे आपकी तवाज़ो के लिए आपको बेहतरीन चाय और पकौड़े मैसर होंगे। फैमिलीज के लिए अच्छा पॉइंट है और बच्चों ने यहाँ खूब इंजॉय किया। एक बात से मैं बहुत तंग रहा, आप देख सकते हैं वीडियो में भी जगह जगह आपको कचरे की चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्लास्टिक और ये वो, जाने हम कब सुधरेंगे। और ये मेरा भांजा आपको चाय ठंडी करके दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पर कुछ देर क्याम किया रुकने के बाद और फिर हम आगे अपनी मंजिल की जानब निकल पड़े। नारान पहुँच के हमने होटल में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद अपना सामान वगैरह रखा और फिर हम आगे झील सैफुल मलूक की तरफ चल पड़े। झील सैफुल मलूक का ट्रैक काफ़ी ख़राब है और वहाँ सिर्फ जीप सी जा सकती हैं, तो हमने मकामी लोगों को मुतला किया हुआ था, जीप्स हमारे लिए मौजूद थी। रस्ते में कुछ खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सफ़र थोड़ा थका देने वाला होता है। आपका खाना पीना सारा हजम हो जाता है जेट के लग लग के। नहीं नहीं, हम झील सैफुल मलूक पहुंच गए और सुबह सुबह का वक्त है और मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है और बड़े खूबसूरत व्यूज़ हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं झील के व्यूज़ और पानी का शोर सुनाई दे रहा है। खुशगवार था, हमने भी खूब तस्वीरें खींची और हर बंदे ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भर दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि यार घोड़े पे सवारी करनी चाहिए और मैंने सवारी की। बोला था बात है कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि जिस घोड़े पे मैं सवार था वो बेचारे के तो अपने बड़े बुरे हालात हैं। बहरहाल इसके बाद हमने मकामी लोगों से यहाँ की जिन्नों और परियों की कहानियाँ सुनी जो बच्चों में सुना करते थे, तो आए आपको भी सुनाते हैं। फिर हमने इनसे कुछ गपशप भी की। वहाँ चले जाए शहजादा, आपको परी मिलेगी तो नजर भी आ जाएगी। मलका पर्वत सामने वाली चोटी है, ये सफेद वाइट वाली चोटी जिसको इस वक्त तक किसी ने पास नहीं कर सका, सर नहीं हुई। वजह ये है कि इसके ऊपर जो भी गया तो वापस जिंदा नहीं आया। इसके ऊपर जिन्हों परियों का कब्जा। देखा जाए तो इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती, लेकिन फिर भी हर शख्स बड़ा महसूस होकर सुन रहा है। मेरे मामू जान भी सुन रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग भी सुन रहे हैं कि जैसे ये वाकई सच है। मेरा नाम मलक हसनैन है, मैं यहाँ नारान के रिहायशी हूँ। ठीक है, और आपका अपना चैनल भी है यूट्यूब का? खैर होगी जनाब, क्या बात। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा बताएं कि झील सैफुल मलूक की थोड़ी सी तारीख और आप कितने अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं और इसकी थोड़ी सी पता लगे ताकि जो बाहर लोग रहते हैं ना उनको भी पता चले। जी सर, कौन बोलेगा पहले? दास कर लें। झील सैफुल मलूक जो है ये एक कुदरती तौर पे बनी हुई एक झील है, बाकी यहाँ पे कहानियाँ भी इससे वाबस्ता है। कोई परी शहजादे वाली कोई मिली है? परी कोई कभी मिली तो नहीं है हमें। मेरी अभी शादी नहीं हुई तो मैं मुझे मिलेगी परी इधर? कोई नहीं शादी उनको नहीं मिली दिन को भी मिलती है। अच्छा, रात को कुछ नहीं होता? रात को कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना ये जो सामने पहाड़ है ना बराबर ये था, अच्छा बंद था, ये बंद जो है ये टूट गया है ना। ठीक है, रात को जो अक्टूबर में जो लोग आते हैं इधर इतनी नहीं होती है रश ना, अक्टूबर में कहते हैं सुबह के टाइम इधर आओ, अजीबो गरीब गरीब आवाजें भी आती हैं। अभी कुछ बताएं सर, आप बड़े शर्मीले से। मेरा पहला साल है, मुझे इतना पहला साल इतना नहीं पता। आप टिकटॉकर हैं? मैं टिकटॉकर। कितने बंदे हैं फॉलोअर आपके? तकरीबन 85,000। 85,000 फॉलोअर है टिकटॉकर पे? क्या बात है सर जी, क्या बात है। स्टार तो यहाँ फिर रहे नहीं हमारे साथ। झील सैफुल मलूक हमने देख ली है, बड़ा मजा आया है,
लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि तरह 700 ट्रेन है। एक छोटा सा वाक्य हमारे साथ हो गया था, हमारा एक जवान जो है उसने डुबकी लगा दी थी पानी में, लेकिन मजे की बात यह है कि जवान बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। जवान का नाम है जी तलहा ताहिर, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं और अभी आपसे बात भी करेंगे। जी तलहा, तो बताएं जरा कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, पानी ठंडा था यार? अच्छा, मजा आया आपको पानी में? ओए होए होए, तो दूसरे लोगों को भी छलांग लगानी चाहिए? नहीं, ठीक है, तो बस जरा सेफ्टी का ख्याल करना है, और बेहतर है कि आप अपने ग्रुप के साथ रहें, तो वहाँ पे मोटर भी चल रहे होते हैं, घोड़ों पे सामान होता है। अभी बच्चे के साथ यही हुआ कि घोड़ा इसको एक लगा है, तो वो सामान था तो बेचारा गिर गया, ऐसी गलती कोई नहीं थी, लेकिन यह है कि इस बच्चे को हमने तैयार करना है आर्मी शार्मी के लिए, तो आज उसकी प्रैक्टिस हो गई है। पहले यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी तो दोनों साइडों से लोग यहाँ फंस गए थे, तो उसके बाद उन्होंने उस मौके से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बच्चों को दूर फैमिलीज को खाना वाना फ्री में खिलाते रहे। तो कहा जाता है कि कोई 5 से 7 दिन तक मामला जारी रहा, तो लोगों की बड़ी अच्छाई यही है, और आप लोग भी यहाँ आते हैं तो रेस्टोरेंट में ज़रूर रुके और इसके साथ आप करेंगे अच्छे लोग, ठीक है? तो आपको व्यूज़ दिखाते हैं। थैंक यू। सर टॉप पे, ठीक है, कितना सफर था जी वहाँ से? हम लोगों ने तकरीबन 2.5 घंटे का सफर किया, एक छोटा सा स्टे भी किया था रेस्टोरेंट पे, तो इतना ही टाइम तकरीबन लग जाता है अगर रुकते रुकते हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे, चलो आगे आपको बाबू सर टॉप। बाबू सर टॉप के ऊपर से आप पूरी वादी का नजारा कर सकते हैं। इस वक्त ये पहाड़ जो बर्फ से खाली है तो ये ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो नज़ारा बहुत ही दिलकश हो जाता है। वापसी पे हम थोड़ी देर के लिए आंसू झील पर रुके, जहाँ से गाय को नारा सिंह निकलता है। यहाँ मैंने बच्चों के साथ कुछ यादगार तस्वीरें ली और यूं एक और बेहतरीन दिन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। अभी हमारा टूर जारी है, इंशाल्लाह अगली किस्म में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने कहा।